सो गाइस राइट नाउ आई एम इन अ हॉस्पिटल, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ बिकॉज एक्चुअली मार्केट में शॉपिंग तो कर ली थी, बट अभी घर पर आ रहे थे, पैकिंग वैकिंग कर रहे थे, सामान जमा रहे थे गाड़ी के अंदर, सो गाड़ी की जो बूट बूट होती है उसके अंदर मेरी अंगुली आ गई थी, तो चक्कर वक्कर आ गए थे मुझे और हॉस्पिटल आया हुआ मिल गया बेटी मिल गई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो हम रेडी हो चुके हैं, एक्चुअली मॉर्निंग जल्दी उठ गया था मैं 6 o'clock और एक्चुअली फार्म पे हो वो सबसे पहले रेडी होकर बैठ गए। सो अब हम क्या लेट हो रहे हैं इस चक्कर में कि हमको पहले जल्दी निकलना है, तो हम अभी रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं फार्म के लिए। ये एक्चुअली मेरे बहुत गर्म हो रही है और अंदर जा रहा है गर्मी की वजह से, तो मैंने थोड़ा पाउडर लगाया था कि क्या है कि खुजली बहुत हो रही थी, बहुत अंदर छोटे छोटे दाने हो गए, गर्मी वो ज़्यादा बोल रही थी, मतलब मैं सहन नहीं कर सकता। सो अब हम निकलेंगे सुमेरपुर के लिए, एक्चुअली बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज क्या है कि ऑफिस हमको जाना है सुमेरपुर और जिया गाँव जाएंगे, तो अविराज से ऑब्वियसली मिलूंगा क्योंकि जब से वो अविराज गया कल मामा पापा नानसा तो है ही है अपसेट बिकॉज उसकी याद आ रही उनको, और मैं भी बहुत ज़्यादा वो हूँ क्योंकि अविराज एक वो कितना क्यूट है एक तो उसकी याद तो आती है। सो बस अभी वहाँ जाएंगे, अभी मतलब लाइक 10-11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे सुमेरपुर। सो फिलहाल तो हम निकलते हैं कैसे फार्म के लिए क्योंकि हमने चाय भी नहीं पी, हम चाय भी वहाँ जा पीएंगे क्योंकि लेट हो रहे थे। एंड ये जो सेल्फी स्टिक है, ये जो मामा हमने मुझे गिफ्ट की थी, ये मैं साथ में कैरी करूँगा ऑब्वियसली। ओके सो हियर वी गो, चले हनु आप रेडी हो? ओके ओके ओके, मेरा चार्जर ले लेना और मेरी ईयरबड्स ले लो, ओके लाइट्स बंद कर देना और जो बाढ़ बता दो किजर ऑफ जो भी आपको करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट राउंड मिलते हैं। सो अभी रवाना हो रहे हैं यहाँ से और निकलते हैं सुमेरपुर के लिए, मामा सब रेडी है, भैया ऑल्सो रेडी, पर रात को और सीधी वो थी तो गाड़ी पूरी वो हो रही है, अंदर से तो पूरी चिल्ड है और बाहर से पूरी वो हो रही है गिल्ली, इसकी विंडशील्ड ग्लासेस वगैरह सब कुछ गिल है। गाइस हम अभी आए हैं गोगुंदा, गोगुंदा से टोल क्रॉस किया है एंड यहाँ रुके हैं थोड़ा कुछ नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ खा पीते हैं फिर निकलते सुमेरपुर के लिए। ये वो गाय दिख गई, इसको तो मेरे पीछे आ गई, चलो 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 खुशी रानी। ब्रेकफास्ट का हो गया है, अब हम रवाना हो रहे हैं सुमेरपुर के लिए। बड़ी होटल तो नहीं, छोटा मोटा ढाबा, पर वो अंकल खतरनाक था।
अरे डब जा सबने देवांगा सीताफल पाका है नहीं और टिंगर टोली खूब है बाने तो मन तो लगे एक जन वो अरे डब जा हैंडा लिया हैंडो साफ कर ले रिया पाचे। सो गाइस हाईवे पे हम रुके थे सीताफल यहाँ पे मिले थे हम सीताफल लेने के लिए रुके तो हमने सोचा एक लड़का खड़ा है था इतनी सारी टिंगर टोड़ी आ गई पूरी पूरी कह रहे नाम क्या मुगलिया कटर अच्छा अरे दो रुपये खुला कौन रखे रही दब जा दो मिनट हाँ अराउंड यहाँ से एक डेढ़ घंटा का रास्ता और पिंडवाड़ा के लिए और ये पीछे अब वो सीताफल ले रहे सब ये से एक 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 टोकरी है लेके आया है तो एक टोकरी 30 रुपए की है। ओहो हाउ सीताफल तो कौन रोई रो कौन है दब जा क्यों क्यों ला रहे छाव ये तरह लंगन हाल तो घने आई रे दब जा अरे सीताफल ये कटे मंगरों ले रहे थोड़े जंगल मिलाओ जंगल कटी ने पाके पाके जगह थोड़ी है काचा है बड़ा सब बड़ा ही से सबने दो तो गाइस हाईवे पे हम सीताफल के लिए रुके और सीताफल तो मिले काफी अच्छे मिले बट बहुत सारे मिल गए अरे हाँ शांति शांति ओ हनु फर्स्ट बंद करो आप। तो गाइस सीताफल लेने रुके थे हम लोग पर टिंगर ट्रॉली थी आ गई सीताफल के पैसे तो कहीं गए एक के तो 2 रुपए दो एक के तो 5 रुपए दो एक के तो चॉकलेट के पैसे दो तो चॉकलेट के पैसे वो तो रहे हाँ वो तो दे दिए चलो ठीक है दे दिए पर सब चिपक गए एक दूसरे के मेरे से लो अपन कल हम तो कल एक जने को देख के रुके थे और वहाँ आगे 10 बंदा चल रहे लड़के चलो कोई नहीं सीताफल थोड़े कच्चे हैं पर पक जाएंगे पर महंगे पड़े सो अब चलते सीधे सुमेरपुर के लिए निकलते हैं अब कहीं बीच में हॉल्ट नहीं करेंगे। तो गाइस हम आ गए हम हमारे जूसा का शॉप ही सुमेरपुर पहुंच गए थे और जूसा आपको लेना है यस और मिल गए जूसा हमें वो ये लोग शेयरिंग के ओहो सुमेरपुर पहुंच गए फाइनली। तो अभी मामा इनकी तो शॉपिंग स्टार्ट हो गई हम जाएंगे बिसलपुर जगह बांध घूमने के लिए है नहीं। सो गाइस फर्स्ट हमारा प्रोग्राम था जूसा के साथ में जयवाद जाने का पर अब जयवाद नहीं जा रहे हैं हम यहाँ सुमेरपुर सिटी के अंदर ही घूमेंगे एंड और कहाँ जाएंगे जूसा कहीं ना कहीं तो जाएंगे तो फर्स्ट हम जूसा की जीप के अंदर एंटर हो चुके हैं। वाओ विलेज लेफ्ट साइड गरम होगी यार ओहो मेटाडोर चलो जीप में घूमकर मजे लगी है आनंद थोड़ी सी ओला ओला बाइक ओला बाइक ट्रायल तो करा दे भाई चला के क्या ओला नहीं नहीं दूसरी बैटरी वाली अच्छा बैटरी वाली
बंद है? बंद क्यों कर रखा है? मजा आ गया यार ऑफ रोडिंग में। नदी के बीच में से जीप को निकाली, जीप में तो कुछ पता नहीं चलता कि नदी में जल्दी कहाँ चल रही है, मक्का जैसे निकलती गाड़ी तो कहाँ। नेक्स्ट सुमेरपुर का ट्रिप करेंगे तब जूसा के साथ फुल ऑफ रोडिंग करेंगे हम लोग जीप में। सो गाइस फाइनली हम आ गए जूसा के पास वापिस एंड उमेश सिंह जी मिले हमें यहाँ पे। उमेश सिंह जी खमागनी। अरे अरे मामा को वापस आके एक दिन छोड़ के गए थे, वापस आके अभी कहाँ है? सो फाइनली वी आर एट द फार्म कानपुरा। बेटी अविलाज बेटी गुड मॉर्निंग बेटा। ओ अरे राम अविलाज से मिल गए हम फाइनली। मिल गया बेटी मिल गई। सो गाइस राइट नाउ आई एम इन अ हॉस्पिटल। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ बिकॉज एक्चुअली मार्केट में शॉपिंग तो कर ली थी बट ऑफिस घर पे आ रहे थे, पैकिंग वैकिंग कर रहे थे, सामान जमा रहे थे गाड़ी के अंदर। सो गाड़ी की जो बूट होती है उसके अंदर मेरी अंगुली आ गई थी तो चक्कर वक्कर आ गए थे मुझे और हॉस्पिटल आया हूँ। ठीक है मैं करता हूँ अभी ना महीना कर लूँ। सो गाइस अब यहाँ से घर पे जाएंगे। चले ओ चलते हैं अब। सो गाइस एक्चुअली फाइनली घर पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा थकी हूँ आज बिकॉज अब क्या है कि पूरे दिन शॉपिंग की है ना तो उसमें थक भी गए थे एक्चुअली। सुबह 6 बजे से उठे हुए और आने के बाद यहाँ पे शॉपिंग की थी, फिर 3 बजे लंच किया था, उसके बाद वापस कंटिन्यू शॉपिंग पे थे और शॉपिंग करने के बाद एक्चुअली इतनी ज़्यादा हो गया था सामान सब कि वो बूट में भर रहे थे हम लोग। तो उस समय मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में बता रहा था पर उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाया था ढंग से। सो मैं बताता हूँ मेरे जो ये अंगूठा है लाइक ये डिक्की के अंदर फंस चुका आ गया था, मतलब मेरा हाथ था वहाँ पे तो डिक्की बंद हो गई थी तो मेरा अंगूठा उसमें फंस गया था। सो वो तो निकल गया था उस समय पर वो जो अंगुली थी उसके क्रैक आ गया था और खून निकल गया था, मैं थोड़ा बेहोश हो गया था, चक्कर आ गए थे मुझे, मैं बेहोश हो गया था वहाँ पे। सो वो मोमेंट तो कुछ कैप्चर हुआ नहीं। सो आज के दिन तो यही था एक्चुअली, थोड़ा इसको वापस दो दिन बाद ड्रेसिंग होगी, आज तो पट्टी बंदी है, कल नहीं परसों ड्रेसिंग होगी। सो कल मेरे ऑफिस जाने का था पर कल की आपस लीव लेनी पड़ेगी बिकॉज कल जा नहीं सकता मैं बिकॉज थोड़ा आप रेस्ट करना बिकॉज शरीर मेरे को बहुत लाइक थकान से फील हो रही है। सो आज की वीडियो को तो अभी यही एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल एंड या गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर एंड आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी अपना ध्यान रखूँगा बिकॉज दो दिन से थोड़ा कुछ ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। सो हैव गुड नाइट।